अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में मटन कलेजी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही मज़े की बनेगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। हमने ले लिए हाफ के जी, हमने ले लिया कलेजी और इसके छोटे छोटे बाइट साइज़ में मैंने काट लिया था। साबुत पीस को धो के मैंने कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद इसको धोना नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के इसको छन्नी में रख दें। और उसके बाद मैंने एक हरी प्याज ले ली और एक मीडियम साइज़ की दूसरी प्याज ले ली थी, उसको हल्का सा गोल्डन कर लिया था। उसके बाद दो टमाटर की प्यूरी बना ली थी और अदरक लहसुन का एक एक चम्मच डाल दिया था। आधा कप मैंने दही डाल दिया है और अच्छे से इसके मसाले की बुनाई करेंगे। ये देखें, मसाले की बनाई हो चुकी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। स्पाइसेस में है सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है कुटा हुआ, और नमक हम बाद में डालेंगे। अब हमने डाल दिया है कलेजी को, डाल दिया है और अच्छे से मसाले में भूनेंगे। ये देखें, कलेजी में जितना पानी छोड़ना था वो छोड़ दिया। अब इसका पानी खुश करेंगे और हसबे ज़ायका नमक डाल देंगे। और ये देखें, ये कलेजी हमारी जो है वो तैयार होने पे आ गई है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि इसकी थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी बन जाए, ज़्यादा खुश्क जो है ना वो नहीं खाई जाती। ये हमारी फाइनल लुक आ गई है, देखें आयल भी निकल आया है। और थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया है, हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला है। ये देखें, बड़ी ही खुशबूदार मज़ेदार डबल स्टाइल हमारी मटन कलेजी रेडी है। हमने डिश आउट कर दिया, अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए लच्छेदार मैंने प्याज काट लिया था और लेमन काट लिए थे स्लाइसिस में, और ऊपर थोड़ा सा बटर रख दिया है और कसूरी मेथी छिड़क दूँगी, ये सब्ज़ धनिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।